हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उड़ीसा ललित कला अकादमी का जो एक सर्वोच्च पुरस्कार है, धर्मपद पुरस्कार। यह 7 प्रसिद्ध उड़िया कलाकारों को दिया गया है। तो ये कौन कौन से कलाकार हैं, इनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इनके बारे में जो है किसी किताब में आपको देखने को नहीं मिलता है। तो संक्षेप में इनके बारे में थोड़ा देखेंगे कि इन्होंने क्या जो है अपने क्षेत्र में काम किया है। तो चलिए आज का ये नया वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो 7 उड़िया कलाकार हैं, इनकी जो लिस्ट है वो इस प्रकार है। जो पहले कलाकार हैं गोकुल बिहारी पटनायक, उसके बाद हैं असीम बसु, उसके बाद दुर्गा प्रसाद दास, सुदर्शन साहू और पद्म भूषण प्राप्त जतिन दास। इनके बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, जतिन दास के बारे में। ये एक समकालीन कलाकार के गिने जाते हैं। उसके बाद हैं दीनानाथ पाथी और उसके बाद हैं पद्म विभूषण रघुनाथ महापात्रा। तो ये 7 कलाकार हैं, इन्हीं के बारे में संक्षेप में आज बात करेंगे। और आपको बता दें कि गोकुल बिहारी पटनायक और असीम बसु और दीनानाथ पाथी जो इनको ये पुरस्कार मिला है, ये मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला है। और ललित कला जो एकेडमी है उसके जो अध्यक्ष हैं वो पद्मश्री सुदर्शन पटनायक हैं। इनको आप जानते ही होंगे, रेत के जादूगर जिनको कहा जाता है, सैंड आर्टिस्ट। आप स्क्रीन पे इनकी फ़ोटो देख सकते हैं। तो जिनको नहीं पता है वो नोट कर लें, ये उड़ीसा ललित कला एकेडमी के अध्यक्ष हैं। 2018 में ये नियुक्त हुए थे। तो कलाकारों का जो परिचय है वो देख लेते हैं। तो पहले नंबर पे हैं गोकुल बिहारी पटनायक, ये इनकी इमेज है। ये जो है उड़ीसा के सबसे पुराने प्रसिद्ध चित्रकार थे और ये व्यावसायिक कला सीखने के लिए लखनऊ गए और 1961 के आसपास ताड़ के पत्तों पर जो है इन्होंने उकेरना शुरू किया। और उसके बाद जो है 1963 में पहली बार स्क्रॉल पेंटिंग शुरू की थी और 1968 में इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था। तो जो दूसरे कलाकार हैं वो हैं असीम बसु, ये इनकी फ़ोटो है। और असीम बसु एक भारतीय थिएटर कलाकार थे, ये निर्देशक थे, चित्रकार थे और नाटककार थे। इनको जो है ओलिव मूवीज़ में सेट डिजाइनर वर्क और उड़िया बुक कवर और मूवी पोस्टर डिजाइन करने के लिए जाना जाता था। तीसरे नंबर के जो कलाकार हैं वो हैं दीनानाथ पाथी। यह एक प्रख्यात चित्रकार, लेखक और कला इतिहासकार थे। और ये जो है ललित कला अकादमी नई दिल्ली और भुवनेश्वर के पूर्व सचिव रह चुके हैं। और जो इन्होंने अपने जीवन को पूरी दुनिया में उड़िया कला के प्रचार के लिए समर्पित कर दिया था। और हमारे अगले जो कलाकार हैं वो हैं जतिन दास। इनके बारे में आप सभी जानते होंगे, इनके बारे में किताबों में भी जो है मिल जाता है। इनको जो है पद्म भूषण प्राप्त हुआ था और ये एक भारतीय चित्रकार मूर्तिकार हैं और भारत के सबसे समकालीन कलाकारों में गिने जाते हैं। तो फिलहाल ये जो है 50 साल से पेंटिंग कर रहे हैं और लगभग जो है 68 से अधिक एकल प्रदर्शनियों का आयोजन इन्होंने किया है। इन्होंने कई भित्ति चित्र और मूर्तियाँ बनाई हैं और इनका जो माध्यम रहा है वो तैल, पानी के रंग, स्याही ग्राफिक्स में ये काम करते हैं। इनके काम के कई सार्वजनिक और निजी संग्रह हैं। और जतिन ने पिछले 35 वर्षों में पारंपरिक कला और शिल्प का एक बड़ा निजी संग्रह बनाया हुआ है। और आपको बता दें कि जो अभिनेत्री हैं नंदिता दास, उन्हीं के ये फादर हैं, पिता हैं। और नेक्स्ट है हमारे रघुनाथ महापात्रा। इन्होंने काफ़ी काम किया है कला के क्षेत्र में, मूर्ति कला के क्षेत्र में। और ये सांसद हैं राज्यसभा से और उसके बाद जो हैं ये वास्तुकार और मूर्तिकार हैं। 1976 में इन्हें पद्मश्री मिला, 2001 में इन्हें पद्म भूषण मिला है, 2006 में इन्हें शिल्प गुरु पुरस्कार मिला है और 2013 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। और वर्तमान में ललित कला अकादमी के सदस्य हैं। इनकी खुद की एक वेबसाइट है जहाँ पे इन्होंने अपने सारे आर्ट वर्क को उन्होंने
वहाँ पे शो किया हुआ है। तो इनका जो वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाके इनके बारे में और अधिक डिटेल में जान सकते हैं। और जो हमारे अंतिम कलाकार हैं सुदर्शन साहू, ये आप देख सकते हैं इनकी इमेज। और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इनका जो मूर्तिकार सुदर्शन साहू का जो जन्म है वो पुरी में हुआ था, और 1981 में इन्हें पत्थर पर नक्काशी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। उसके बाद 1988 में पद्मश्री मिला, 2003 में इन्हें शिल्प गुरु पुरस्कार मिला था, और 1991 में उड़ीसा सरकार की मदद से जो है इन्होंने सुदर्शन आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज की स्थापना की थी, जहां पे ये पत्थर लकड़ी और फाइबर ग्लास की मूर्तियों से बनी पारंपरिक मूर्तियों का एक प्रशिक्षण और रचनात्मक केंद्र है। 1977 में इन्होंने जो है सुदर्शन शिल्प संग्रहालय को विकसित किया था जो पुरी में है। अगर आप इस मूर्तियों बनाने की कला में रुचि रखते हैं तो आप जो है इनके संग्रहालय में जा सकते हैं। ये इनका एड्रेस है, तटीय शहर पुरी, उड़ीसा के स्टेशन रोड पर ये स्थित है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था इन्हीं कलाकारों के बारे में, क्योंकि इनके बारे में किसी किताबों में नहीं मिलता है, तो आप नोट कर सकते हैं, आने वाले एग्जाम में भी ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।